लंग में पानी भर जाना या पेट में पानी भर जाना या लिवर पे सूजन आना या तो फिर सिवियर ब्लीडिंग होना यूजुअली, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। एक बार फीवर चला जाए तो 48 आवर्स तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो, उसके बाद प्लेटलेट्स खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। हाय, मैं डॉक्टर शालमली इनामदार, मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी में इन्फेक्शियस डिजीज़ फिजिशियन हूँ। आज मैं आपको डेंगू वायरस के बारे में बताने वाली हूँ या डेंगू फीवर के बारे में बताने वाली हूँ। तो डेंगू फीवर जो है वो डेंगू वायरस की वजह से होता है। ये नॉर्मली मस्कीटो बॉर्न इलनेस होता है, मतलब कि मच्छरों की वजह से डेंगू वायरस आपके शरीर में जाके डेंगू फीवर बना सकता है। सो ये जो फीवर होता है ये यूजुअली आने के बाद सात दिन तक रह सकता है। इसमें सिवियर बॉडी एक हो सकता है, बोनी पेन्स हो सकते हैं, सिवियर हेडेक हो सकता है, रैशेस आ सकते हैं बॉडी पे, और कभी कभी कोई लोगों में इनकी डेंगू रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया होना या लंग में पानी भर जाना या पेट में पानी भर जाना या लिवर पे सूजन आना या तो फिर सिवियर ब्लीडिंग होना। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डेंगू के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये इलनेस की कोई ट्रीटमेंट या कोई दवाई नहीं है, मेनली इसमें हमको फ्लूइड बैलेंस ठीक से रखना पड़ता है। अगर आपको डेंगू फीवर होता है तो अगर फर्स्ट 3 डेज में आपका फीवर नहीं जाता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डॉक्टर, कोई भी नज़दीकी डॉक्टर को आप संपर्क करें, उनसे सलाह मशवरा करें कि एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं। नॉर्मली इसके जो कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं हम, ये day 5 to day 7 तक देखते हैं। ये बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। अगर प्लेटलेट्स आपके 10,000 से नीचे हो तो आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर उससे ज़्यादा यूजुअली, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। एक बार फीवर चला जाए तो 48 आवर्स तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो, उसके बाद प्लेटलेट्स खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि अगर आपको डेंगू इन्फेक्शन हुआ है तो आपके प्लेटलेट्स परसिस्टेंटली लो रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपके प्लेटलेट्स परसिस्टेंटली लो रहते हैं तो फिर हमें और कोई कारण, इस डेंगू के अलावा और कोई कारण ढूंढने की ज़रूरत है।